हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने लिंकेज के बारे में देख रहे थे, ठीक है। कल हम लोगों ने म्यूटेशन पूरा पढ़ लिया था कि म्यूटेशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वो बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज के बारे में हम लोग बात करने के पहले हम बताए थे कि लिंकेज होता क्या है, बताया था कि डिस्कवरी किसने किया था, बेटसन एंड पुनेट ने टेकन लिया था, बताया था पहले, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म के बारे में या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पूछा जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था, तो हमारे कौन से थे, टीएच मॉर्गन साहब थे हमारे, फ्रूट फ्लाई यानी फिर उसे बोलते हम लोग ड्रोसोफिला, ठीक है। क्या बोलते हम लोग, ड्रोसोफिला बोलते थे, ठीक है। चलो मॉर्गन, टीएच मॉर्गन हमारे, ठीक है। लेकिन और भी साइंटिस्ट थे हमारे, सोडन एंड बोरी ने बताया था कि क्रोमोसोमल क्या थे, हमारे क्रोमोसोम के बारे में बताया, कैसे कैसे मेंडल को अकॉर्डिंग को ऐड करके, मेंडल को ऐड कर लिया उसके बारे में, इसके बाद बात उन्होंने किया था, ठीक है। चलो तो वहां पे हम लोगों ने कल देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंकेज में बताया थे कि इस क्रोमोसोम पे सारे करेक्टर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग लिंकेज। लीनियर फैशन में होता है, और टेंडेंसी क्या होती है कि यदि ट्रांसमिशन हो रहा है करेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर जा रहे हैं, तो जितने भी लिंक जीन है करेक्टर सबके साथ ट्रांसफर होने चाहिए, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किया था पिछले लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आपको बताया था कि लिंकेज, लिंकेज से हम लोग पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक मिनट रुकना बच्चों, चलो ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था क्रॉसिंग ओवर के बारे में, ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर क्या था, बताया था आपको कि क्रॉसिंग ओवर पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ हम बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे कि डिस्टेंस कैसे कैसे मेंटेन करना है हमको, यहाँ पे डिस्टेंस क्या क्या होगा। तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे छोड़े थे कि बताना यहाँ पे कि जो हमारा ए एन बी है, सी है, डी है, ई एन एफ है, इसके बीच में मोस्ट क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो सकता है, पॉसिबल किसके बीच में आसानी से हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर रहे थे, देखना ध्यान देना, ठीक है। पहले सारे के सारे क्रोमोसोम क्या थे, करेक्टर क्या थे हमारे, जो बी है, सी है, डी है, ई एन एफ है, सबके सब क्या थे हमारे, अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे, बट अब एक साथ हो गए। यानी बात कर लेते हैं कि मान लो कि ये एक है रूम है, ठीक है। इस रूम में हमारे ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरह हमारा ए बी सी डी ई एंड एफ, ध्यान देना, ठीक है। ये हमारे एक क्लासमेट है, ठीक है। एक हमारा ये क्या हमारा रूम है, हमारा क्लासरूम है, मान कर ले क्लासरूम। इसमें हमारे ये हमारे सिक्स स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब सिक्स स्टूडेंट में ध्यान देना कि ए एंड बी है दोनों एक साथ हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। फ्रेंड सब हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सब एक ही क्लासरूम के हैं, सब लोग एक साथ के फ्रेंड हैं, बट ए एंड बी में ज्यादा क्लोजली है सी एंड डी और ई एंड एफ में, ठीक है। बट ए एंड एफ फ्रेंड तो हैं, बट वो क्या है, हाई लो है, ठीक है। हाई लो की ये बात वो नहीं करना, लेकिन ए एंड बी जो है क्या आपस में क्लोज है, आपस में क्लोजली है, इस नाते हमेशा एक साथ हैं। देखो यहाँ पे भी ए एंड बी साथ में बनाए, आप भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। लेकिन ए एंड एफ के बीच में देखा जा रहा है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यानी इनमें हाई हेलो है, क्लासरूम पे फ्रेंड है। यदि ए एंड एफ को हम अलग कर दें, सेपरेट कर दें, एक क्लास से दूसरे क्लास में डाल दें, तो ना ए को फर्क पड़ने वाला है, ना एफ को फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। ए और एफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाई हेलो था, यही था, दोस्ती थी उनमें के बीच में थी। बट ए एंड बी आपस में क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्लोजली बॉन्डेड है। यदि इनको दोनों को सेपरेट करेंगे तो पूरा क्या होगा, क्लासरूम इफेक्ट होना, ए को भी इफेक्ट पड़ेगा एंड बी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और दोनों को अलग करने के लिए हमको मोस्टली एटीपी की यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह बी एंड सी में क्लोज है हमारे, सी डी क्लोज है, ई एंड एफ क्लोज है, इस तरह के सारे सारे, ठीक है। ये सारे के सारे आपस में क्या है, क्लोज है हमारे, ठीक है। बट जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उसके बीच में क्रॉसिंग, और उसको हम यदि चेंज कर दें, हटा दें दोनों को, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपस में क्लोज नहीं है। यानी क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड है हमारा,
डिस्टेंस के ऊपर, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग डिस्टेंस ज्यादा उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर अच्छे से होगा, यानी ए एंड एफ के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर आसानी से करा सकते हैं, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी एंड ए एंड ई, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा, यदि हम क्रॉसिंग ओवर बढ़ाएंगे, बढ़ाना है तो डिस्टेंस को बढ़ाते चल जाए तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा हमारा, अच्छे से हो सकता है, ये ध्यान देना, ठीक है। इसी तरह लिंकेज भी होगा, लिंकेज हमारा जा रहा है तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतने अच्छे से लिंकेज हो जाएगा हमारा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर ये जान गए हम लोग, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लोग वही बात कर लेते हैं जो हम लोग लिखे थे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, लिंकेज यहाँ पे ध्यान देना, एनसीईआरटी में भी दिया है लिंकेज, ठीक है। किसने दिया था हमारा, टीएच मॉर्गन, और कहीं कहीं बुक में मॉर्गन, हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अगर जो एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी के फॉलो करें तो मॉर्गन दिया है, और कहीं कहीं बुक में हमारा कैस्टेल भी दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक में हमारा मॉर्गन एंड कैस्टेल दोनों की बात किया गया है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, हमारा पहला है हमारा क्रोमोसोम थ्योरी इंटेंस में कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज, मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। दूसरा, जीन आर प्रेजेंट इन लीनियर फैशन इस पे ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, लीनियर फैशन में अरेंज है, ठीक है, कुछ इस तरह हम लोगों ने बनाया था कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे क्या हमारे लीनियर फैशन में अरेंज हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिंकेज हमारा पूछा जाएगा कैसे प्रेजेंट होते हैं लीनियर में, कि कैसे, तो लीनियर में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, जितने भी लिंकेज जीन है यदि इनको सेपरेट करना, जैसे मान लो यहाँ से 4 या 5 को सेपरेट करना है, या फिर 3 या 4 को सेपरेट करना, जो भी है 1 से 5 को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर एक ही मैकेनिज्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को नंबर को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाई क्रॉसिंग ओवर, और कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर के अलावा, ठीक है। यानी हम इस तरह बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई लिख लिए, और यहाँ पे लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमको क्रॉसिंग ओवर कराना है, ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम दोनों एक ही सेल के अंदर है ना, दोनों कैसे हमारे होमोलोगस, ठीक है, हमारा ट्रांसवर्जन या इनवर्जन की बात करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या था हमारा नॉन होमोलोगस ट्रांसलोकेशन, यानी उसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था, यहाँ रखना म्यूटेशन में, और यहाँ पे जो लिंकेज में हमारा वो कौन सा हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो ये इसको इधर कर दिए और इस वाले चीज को इधर कर दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए बी सी 5, 6 1, 2, 3, 4 डी एंड ई, यानी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, और यहाँ पे भी हमारा करेक्टर चेंज हो गया, हमारे क्रोमोसोम क्या हो गया हमारे चेंजेज हो गए, ठीक है। तो ये लिंक जीन थे, देखो ए भी लिंक जीन था, ए भी हमारा था, दोनों के पास करेक्टर थे हमारे, दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिए बाय द क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे जो हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर की बात कर लिए, ठीक है। अब देखना यहाँ से जो पहला क्वेश्चन आपको नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीट में कौन सा क्वेश्चन आता है, तो हमको फाइंड करने के लिए आता है हमारा लिंकेज ग्रुप, फर्स्ट फाइंड करने आता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दिया गया है या कोई भी प्लांट दिया गया है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर कोई भी दे दिया गया एक्स वाई जेड, ठीक है, कि इतने नंबर क्रोमोसोम है तो उसमें लिंकेज ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे, ये डायरेक्ट जैसे मान लो पूछा गया कि हम हैं या ह्यूमंस की बात करें
ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप माइंड में बैठा लें, सेट कर लें, जैसे भी आप इच्छा चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड नंबर में, ठीक है, कैसा क्रोमोसोम कैसा होगा हमारा, हैप्लॉयड नंबर में उतना ही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा। जैसे हम बात करें एग्जांपल कि पी प्लांट जिसको बोलते थे हम पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम में क्रोमोसोम नंबर कितना था हमारा, हैप्लॉयड नंबर 7, तो लिंकेज ग्रुप भी कितना होगा हमारा 7, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड में कितना होता है 23, तो कैसा हो गया हमारा 23 लिंकेज ग्रुप। 46 हमारा पेयर 2n, हैप्लॉयड मतलब n, ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 2n, ठीक है, हैप्लॉयड मतलब बात कर रहे हैं हम लोग n की बात कर रहे हैं, आप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा सर। तो ह्यूमन में कितना पेयर में 23 पेयर में होते हैं, लेकिन n वही हो गया 46, तो हमारा जो हैप्लॉयड नंबर होगा क्रोमोसोम का उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। चलो अब इसी तरह किसी का भी पूछा जाए, तो यदि क्रोमोसोम नंबर आपको फाइंड है, आपको पता है, तो हम उसका लिंकेज ग्रुप पता कर सकते हैं, ठीक है। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में यही पूछा जाता है, लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलो एक मिनट, चलो ठीक है, अब आता है हमारा कि लिंकेज कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो लिंकेज कितने टाइप होते हैं हमारे, 2 टाइप के, ठीक है। अब लिंकेज 2 टाइप के होंगे, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे लिंकेज कितने टाइप के हमारे पास, 2 टाइप के हैं। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट, और सेकंड को बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट, ठीक है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट, सेकंड को बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट, ठीक है, होता कैसे है ध्यान देना, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के, यानी क्रॉसिंग ओवर यदि हमारा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है। यदि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे हम लोग कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, यानी लिख देते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या है हमारा, एब्सेंट है तो उसे बोलते हैं हम कंप्लीट लिंकेज। दूसरा, यदि क्रॉसिंग ओवर हमारा क्या है, प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज बोला जाता है, ठीक है। ये दो तरीके से हमारे हैं, 2 टाइप के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। डायरेक्ट आपको रेशियो पूछा जाता है, तो कंप्लीट में क्रॉसिंग ओवर आप तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब कुछ दिक्कतें हो गई, ठीक है, कुछ दिक्कतें बीच में कुछ चेंजेज हो गया, हम जो यहाँ से चीजें मान लो कि यहाँ से कोई चीज पार्सल किए थे, यदि पूरा का पूरा पहुंच गया, बीच में कोई चेंजेज नहीं हुआ उसमें, तो उसे बोलेंगे हम लोग कंप्लीट पार्सल। यदि बीच में कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ हमारे इधर का उधर चला गया मटेरियल, फिर घूम के जा रहा है, तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट पार्सल। उसी तरह यानी चेंज हो गया, एक्सचेंज मटेरियल क्या हो गया आपस में, चेंज हो गया, तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट, चेंज नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। अब हमको यहीं से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला हमारा है, ठीक है, हमारा पहला फर्स्ट पढ़ लेते हैं इनकम्प्लीट, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट थोड़ा सा है हमारा अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट यानी क्रॉसिंग ओवर हमारा क्या हुआ, दोनों के बीच में हमारा क्रॉसिंग ओवर क्या है हमारा, प्रेजेंट है, ठीक है, यानी हमारा कुछ इस तरह का होगा। मान लो ए बी, ए एंड बी, अब यहाँ पे चेंज करना, ए बी की जगह हम यहाँ पे बेटर लिख दें ए ए डी एंड डी, इस तरह लिख देते, ठीक है। अब इसके दोनों के बीच में हम क्या किए, चेंज किए हैं, यानी हमारा क्रॉसिंग ओवर क्या है हमारा, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल ए स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल डी हो गया होगा, ठीक है। चलो अब इसमें भी दो तरीके से हमारे इनकम्प्लीट में भी दो तरीके से हैं, ठीक है, ठीके? एक को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट है हमारा, कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं है, दोनों का रेशियो सेम आता है,
बस ध्यान देना है, एक को बोलते हैं हम लोग गैमेटिक कपलिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटिक कपलिंग। सेकेंड है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग गैमेटिक रिपल्सन, ठीक है, दो चीजें हमारा गैमेटिक कपलिंग एंड गैमेटिक रिपल्सन बोला जाता है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज में, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो एक को बोलते हैं हम लोग गैमेटिक कपलिंग, एक गैमेटिक रिपल्सन। होता क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। गैमेटिक कपलिंग जब भी आएगा तो याद रखना सिस फॉर्म, और गैमेटिक रिपल्सन मीन्स ट्रांस फॉर्म, सिस एंड ट्रांस। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिस एंड ट्रांस फेज पढ़े होंगे, ठीक है, सिस एंड ट्रांस फेज पढ़े होंगे आप लोगों को, मे भी रिकॉल होगा। सिस माने, ठीक है, जिसपे क्या होगा हमारा एक ही तरफ एक तरह, जैसे मान लो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में आप बताते हैं कि इस तरह दिया है आपको, ठीक है, यानी यहाँ पे दे दिया गया आपको कोई कंपाउंड, ठीक है, सी एस थ्री सी एस थ्री, ए सी एस थ्री सी एस थ्री है और सी एल एंड सी एल, इसे बोलते हैं हम सिस फॉर्म, एंड सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल एंड सी एल, इसको बोलते हैं हम लोग, ए हो गया हमारा ट्रांस फॉर्म और ए हो गया हमारा सिस फॉर्म, ठीक है। यानी एक तरह के करेक्टर एक तरफ लोकेटेड है, दूसरे दूसरी तरफ लोकेटेड है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म। यदि दोनों अपोजिट साइड में लोकेटेड है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांस फॉर्म बोलते हैं, केमिस्ट्री में बताया जाता है आपको सिस एंड ट्रांस फेज, ठीक है। तो यदि हमारा करेक्टर चेंज जो हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, वो कैसा हो रहा है हमारा, सिस फॉर्म में हो रहा है, तो उसे बोलेंगे गैमेटिक कपलिंग। यदि वो ट्रांस फेज में हो रहा है, तो उसे बोलेंगे गैमेटिक रिपल्सन। और इसमें याद रखना है कि हमारा क्रॉसिंग ओवर क्या है, हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ही है। अब लेंगे कौन सा, इसमें प्लांट कौन सा लेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा हमारा स्वीट पी, जिसको बोलते हैं लेथाइरस पोडेटरस। स्वीट पी में करेक्टर क्या लेंगे, दो करेक्टर लेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है। एक लेंगे हम लोग फ्लावर फ्लावर कलर, और सेकेंड लेंगे हम लोग पॉलेन साइज, फ्लावर कलर एंड पॉलेन साइज, पराग पराग पर पॉलेन मीन्स होता है पराग, बोलते हैं गुजराती में इसको, ठीक है। स्वीट पी फ्लावर कलर एंड पॉलेन साइज, फ्लावर कलर की बात करें, ठीक है, फ्लावर कलर कैसा होगा हमारा, ब्लू डोमिनेंट है इन द रिस्पेक्ट ऑफ रेड, ठीक है, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी। पॉलन साइज होगा या तो लॉन्ग होगा, लॉन्ग ज्यादा है हमारा, दूसरा राउंड, ठीक है, इसको लेते हैं एल और एल, ठीक है, ये देखो दो करेक्टर ले लिए, बाई करेक्टर हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारे दो करेक्टर को ले गया, क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं गैमेटिक कपलिंग, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा गैमेटिक कपलिंग, समझते हैं, ठीक है, दो है हमारे फ्लावर कलर एंड पॉलन साइज, ब्लू डोमिनेंट है, रेड वाला क्या है हमारा डॉफ है, लॉन्ग वाला डोमिनेंट है, राउंड वाला कैसा हमारा डॉफ है, मतलब रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव की बात करें। सीट पी इसका साइंटिफिक नेम है हमारा लेथाइरस ओडेटरस है हमारा, ठीक है, लेथाइरस ओडेटरस है हमारा, ठीक है, इसमें हमको लिंकेज पढ़ना है गैमेटिक कपलिंग, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म में होगा, ठीक है, यदि याद हो, और इनकम्प्लीट में याद रखना है क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है, चलो तो दो करेक्टर लेके चलते हैं हम लोग, चलो इधर ले लिए हम लोग ब्लू एंड लॉन्ग, डोमिनेंट वाला एक साथ होंगे, क्रॉस विथ किससे करना है हमको रेड एंड राउंड, किससे करना है हमको रेड एंड राउंड से करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्रोमोसोम से लेके बात करते हैं, वैसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, चलो यहाँ पे ले लिए बी एल बी एल, ठीक है, इधर हो गया हमारा स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, देखना कैसे ले रहे हैं, ये इस तरह भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, एल एल, और इधर कैपिटल बी एल एंड एल, वही लिए हैं, बस हम उसको क्या किए हैं क्रोमोसोम पे लोकेट कर दिए हैं, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ से हमारा, और यहाँ से भी जानते हैं हम लोग कि नंबर कैसे जाएगा, यहाँ से हमारा बी एंड कैपिटल एल, और यहाँ से हमारा बी एंड स्मॉल एल, ठीक है, ये आ गया, आपस में दोनों क्या होंगे, फ्यूजन होगा इनका, दोनों आपस में क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे बना जो न्यू प्लांट हमारा बी एल बी और स्मॉल एल,
ये हो गया हमारा एफ वन ऑफ स्प्रिंग, और एफ वन में कैसा हो गया हमारा ब्लू एंड, देखो ब्लू लिए थे और ब्लू एंड लॉन्ग, ठीक है हमारा सेम जा रहा है ब्लू एंड लॉन्ग मेंडल की तरह जा रहा है, ठीक है सेम कर रहे हैं उसी तरह। यहाँ से बी एन एल करेंगे, बी एन एन आप कर सकते हो, बस हम इसको क्या किए करेक्टर को क्या किए यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम पे लोकेट कर दिया गया है। चलो अब यहां से हमारी बात करनी है, ठीक है एक मिनट। चलो अब यहां से हमारा देखो अब नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है नॉर्मली यहां से जो गैमीट बनेगा कौन कौन से बन सकते हैं हमारे, देखो बना रहे हैं अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तब की बात करें, जब जनरल है, ठीक है जनरल में क्या होगा हमारा दोनों कैसे फॉर्म में है, हमारा फॉर्म कैसा हमारा इसका सिस फॉर्म दिखाई दे रहा होगा आपको, सिस फॉर्म में है, एक तरफ कैपिटल लेटर एक तरफ हमारा स्मॉल लेटर है, ठीक है और इसको लिख लेते हैं क्या है हमारा पेरेंट गैमीट्स है, ठीक है क्या हमारे पेरेंट गैमीट्स है, ठीक है अब देखो यहां से सेपरेट करना हमको, तो विदाउट क्रॉसिंग ओवर हमारा सेपरेट हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारे पेरेंटल है हमारे, ठीक है क्या हमारे पेरेंटल है, ठीक है बट जैसे इसमें क्या हो गया हम लोग क्रॉसिंग ओवर हुआ, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा मटेरियल का क्या हो जाएगा हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, अब जैसे एक्सचेंज हुआ तो हमारे गैमीट क्या हो जाएंगे दूसरे बनेंगे, ठीक है इसको हम लोग बोलते थे बी एंड स्मॉल एल एंड बी एंड कैपिटल एल, जैसे हम लोग बनाते हैं याद होगा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है अब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ तो एल इधर चला गया स्मॉल एल देखो इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा ध्यान देना आप लोग, और कैपिटल एल इधर चला आया, तो फिर हमारा जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमारा देखो रेड वाला बनाए हैं कि रेड वाला हमारा गैमीट बन गया, ठीक है विदाउट क्रॉसिंग ओवर हमारा ये बना, ठीक है चलो इसको बोलते हम लोग रिकॉम्बिनेशन, ठीक है बाद में रिकॉम्बिनेट हुआ आपस में दोनों को एक्सचेंज हो गया तब हुआ, और ये जो है हमारे यहाँ पे क्या है हमारे पेरेंटल, ठीक है क्या हमारे यहाँ पे पेरेंटल होते हैं, ठीक है अब आपको बताए थे याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि यदि हमारा मेंडल की बात करते थे कि नो लिंकेज, यदि लिंकेज नहीं था मेंडल ने क्या बताया था कि यदि लिंकेज नहीं है हमारा, ठीक है तो हमारे गैमेट जो बनते थे कुछ इस तरह बनते थे हमारे आर वाई आर स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है कुछ इस तरह के बनते थे हमारे, ठीक है चलो ठीक है ये मान लो ऐसे गैमीट टी कैपिटल टी या फिर लिख लो चलो इसको लिख लेते हैं कैपिटल टी वाले बेटर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ठीक है चलो यहाँ पे देख रहे थे ये भी कैसा था हमारा रिकॉम्बिनेंट और ये भी कैसा था हमारा पेरेंटल, ठीक है दोनों थे हमारे बट यहाँ पे पेरेंटल व रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कितना था हमारा 50%, आपको बताए थे कि वहां से जो गैमीट का चेंज हुआ था जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से कैपिटल टी आता था यहाँ से स्मॉल टी यानी 50% गया यहाँ से भी 50% ही गया, अब जब आपस में मिले टी एंड टी तो दोनों का 50 and 50 ही पहुंचा है यहाँ पे यानी टोटल कितना हमारा 100% 50% यहाँ हमारा करेक्टर एक्सप्रेस होता है क्योंकि टॉल प्लांट ही था हमारा एफ वन में, ठीक है यानी जो दोनों 100% लिए थे मेंडल बताया कि जो 100% करेक्टर वहां से हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हमारा 50% ही करेक्टर ट्रांसफर होता है एक पेरेंट से एंड अनदर पेरेंट से 50% ही करेक्टर ट्रांसफर होता है, ठीक है अब चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे कुछ भी हो रिकॉम्बिनेंट में भी 50% करेक्टर होगा और नए में भी जो पेरेंटल टाइप है हमारे 50% करेक्टर ट्रांसफर होंगे, तो दोनों का रेशियो क्या होता है यहाँ पे सेम होता था, ठीक है क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ से गए, ठीक है मान लो कि एक घर से 10 आदमी निकले और इस घर से 10 आदमी निकले, ठीक है चलो 10 आदमी निकले घर से दोनों घर से निकल रहे हैं हमारे आपस में जाके मार्केट में मिले बात वोत किए, ठीक है लेकिन दोनों फिर अपना 10-10 वही 10-10 आदमी हमारा पहुंच गए सेम अपने घर पे पहुंच गए वापस, ठीक है जहां भेजना था, ठीक है ये क्या हो गया हमारा जितने निकले थे पेरेंटल जितने निकले बीच में रिकॉम्बिनेंट हुए फिर जो बने सब एक सेम है, लेकिन ऐसा देखें कि 10 आदमी निकले 10 आदमी यहां से निकले, ठीक है सब कुछ सेम था प्लांट भी बट रास्ते में दोनों चेंज निकल लिए कि 5 इधर चले गए 5 इधर चले गए मतलब जो वो जो 10 में से 5 चेंज निकल लिए नंबर दोनों का सेम है 10-10 लेकिन 5 आदमी इसके इसमें मिल गए 5 आदमी इसके इसमें मिल गए फिर आपस में पहुंच गए, तो 5 तो पहुंचे 50% तो पहुंचे ही पेरेंटल लेकिन 5 जो है वो रिकॉम्बिनेंट पहुंच गए यानी करेक्टर हमारा क्या हो गया
कम हो गया, तो यहाँ पे बात करते हैं यदि कि पेरेंटल ज्यादा होगा या फिर पेरेंटल समथिंग में होगा 50%, बट रिकॉम्बिनेंट क्या होगा हमारा कम होगा। यहाँ पे जो नया बना उसका करेक्टर पेरेंट की अपेक्षा कम होंगे, बट दूसरा जो लिंकेज नहीं था जो मेंडल ने बताया था उसमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो दोनों क्या होता है हमारा सेम होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो समझाएंगे फिर आपसे। समझ में आ गया? यस नो आंसर दो आप लोग फटाफट, तो आगे बढ़े। ठीक है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट यदि लिंकेज होगा, ठीक है याद रखना लिंकेज होगा, यस नो सब लोग आंसर दो, यस नो ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। यदि लिंकेज होगा तो पेरेंटल करेक्टर ज्यादा होंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ये याद रखना, बट लिंकेज नहीं है तो दोनों के करेक्टर क्या होंगे हमारे पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट सेम होंगे, क्योंकि 10 गए कोई चेंज नहीं हुआ, 10 आदमी 10 रेड थे 10 ब्लू थे सबके गए, या लेकिन दूसरा आता है कि 10 रेड थे 10 ब्लू लेकिन आपस में दोनों चेंज कर लिए 5-5 का फिर पहुंचे, तो नंबर तो सेम पहुंचा तो 10, लेकिन बीच में क्या हो गए चेंजेज हो गए ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग ए हो गया हमारा पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट। ठीक है चलो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखो इधर हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है इसको चलो छोड़ दो रहे, ये हमारा F1 गैमेट मिल गया। अब इसकी क्रॉस कराना, किससे करा सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस कराएंगे, यदि हम टेस्ट क्रॉस सबसे करा दे तो हमारा रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या क्या होनी चाहिए। देखो बेस्ट मेंडल का करेक्टर जो था क्रॉस था वो कैसा था हमारा, रोशनी आ रही है ना बच्चों आप लोग, चलो अभी भी आ रही छोड़ दिया। ठीक है कि बेस्ट मेंडलिज्म का जो क्रॉस था वो था डाइहाइब्रिड क्रॉस था, बट लेकिन जब हम कोई टेस्ट क्रॉस करा, जब कोई हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस करेंगे, एक जनरेशन पीछे जाके क्रॉस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या क्या गैमेट आ रहे हैं। ठीक है तो चलो यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं, आपको काम आएगा पीडीएफ जब मिलेगा आपको, तो यहाँ पे हम अब से बना लेते हैं कि हमारे पास 4 गैमेट थे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, ठीक है ए, चलो ए हमारे गैमेट थे, इसको क्रॉस कराना है किससे हमारा टेस्ट क्रॉस से कराना है। ठीक टेस्ट क्रॉस यानी हम लोग जानते हैं क्या लेना था रिसेसिव पेरेंट्स, तो यहाँ से आएगा हमारा बी एंड स्मॉल एल आ गया। ठीक है अब इसे आपस में क्रॉस करा देना, ठीक है कितने गैमेट बनेंगे टोटल 4, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ से 4 है 4 × 1 = 1 = 4। चल ठीक है अब देखो यहाँ से हम करते जा रहे हैं, अलग अलग पेन से कर देंगे मजा आएगा, ठीक है जिससे आपको क्लियर होगा क्रॉस आपस में कंफ्यूजन नहीं होंगे। चलो ठीक है अब यहाँ पे देखो ये वाला प्लांट है, ठीक है यहाँ पे हमारा ये बना लिए, सेकंड कौन सा है हमारा रेड कलर का है तो इसको बना लेते हैं बी एंड कैपिटल एल, थर्ड है हमारा ग्रीन कलर का, तो देखो अभी गैमेट बना रहे हैं सिर्फ, और ब्लैक में है हमारा। चलो ये 4 प्लांट हमारे पास मिल गए, ठीक है हम लोग क्रॉस कराए F1 से, हम लोग क्या किए टेस्ट क्रॉस कराए F1 से, कराना ही हमको रिजल्ट चेक करने के लिए, तो F1 का हम लोग क्या करेंगे रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देंगे, दूसरे बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। ठीक है अब ये मिल गया, अब हमारा रेशियो यहाँ पे आना चाहिए 9:3:1, ठीक है आना चाहिए हमारा, बट नहीं आएगा क्योंकि हमारा पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो यहाँ पे क्या है चेंज है, पेरेंटल ज्यादा आएंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है तो अब पूछा जाएगा इसमें रिकॉम्बिनेंट कैसा, आप देखो पहले लिख लेते हैं हम लोग ये वाला पौधा कैसा होगा हमारा ब्लू एंड लॉन्ग, क्योंकि बी एंड कैपिटल एल है हमारा, यहाँ पे कैपिटल बी है तो ब्लू तो होगा बट स्मॉल एल है तो कैसा हो जाएगा हमारा राउंड, ये कैसा है हमारा स्मॉल बी है ब्लू की जगह क्या हो गया रेड, लेकिन कैपिटल एल है तो कैसा हो जाएगा हमारा कैपिटल एल कैसा देता हमारा लॉन्ग, और ये कैसा है हमारा सेम है हमारा कैसे लिए थे हम लोग रेड एंड राउंड। ठीक है देखो ये दोनों क्या है हमारे ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों हमारे पेरेंटल है, ये पेरेंट लिए थे, देखो ऊपर भी देखना
ठीक है, देखो ऊपर हम क्या लिए थे, ब्लू लॉन्ग एंड रेड राउंड लिए थे, क्या लिए थे हम लोग, ब्लू लॉन्ग एंड रेड राउंड, ये तो हमको मिल ही गया, ब्लू लॉन्ग एंड रेड राउंड पेरेंटल मिल गए, बट ये दोनों कैसे हमारे अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट होंगे, दोनों कैसे हमारे रिकॉम्बिनेंट, नया पौधा मिल गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लिंकेज में जब क्रॉसिंग ओवर चेंज हो गया हमारा, तो रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कम आएगा, पेरेंटल के हमारे क्या होंगे, ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो रेशियो डायरेक्ट लिखा जाता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, या आपको नहीं अब कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे सीधे एनसीईआरटी में दिया है, देखो 50 के आसपास आ रहा है हमारा, मतलब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होने चाहिए, इसका आता है हमारा 6.3% और इसका आता है हमारा 43.7%, यानी रेशियो डायरेक्ट लिखा जाता है कभी काल 7:1:1:7, ये रेशियो डायरेक्ट आपको पूछा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज कि जो ये दोनों कैसे थे हमारे, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये हमारा पेरेंटल है और ये पेरेंटल, यानी पेरेंटल हमारे नंबर में ज्यादा बनेंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो हम लोग डायब्रिड ले रहे थे, चार पौधे मिल रहे थे 9:3:3:1, ठीक है, तो वही वैसे ही है, लेकिन बट हमारा रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया 7:1:1:7 और कुछ भी नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे सब कुछ था, वहां पे भी हमको 9:3:3:1 जो थे हमारे वो रिकॉम्बिनेंट थे, बट करेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गए हैं हमारे, ठीक है, और कुछ नहीं हुए हमारे लिंकेज के कारण, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कौन सा, गैमेटिक कपलिंग की बात की है, ठीक है। अब देखो ये सिस फेज में था, ट्रांस फेज की बात करेंगे, गैमेटिक रिपल्सन की बात करेंगे, तो हमारा वहां भी लगभग सेम ही आएगा रिजल्ट, रेशियो सेम आएगा, बट वहां पे सिस के जगह क्या हो गया हमारा, ट्रांस फेज हो गया है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, सेकेंड है हमारा गैमेटिक रिपल्सन, गैमेटिक रिपल्सन, गैमेटिक रिपल्सन पढ़ने के पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, ट्रांस कन्फ्यूगेशन, ठीक है, ट्रांस फेज में रहेगा हमारा, ठीक है। चलो ट्रांस फेज यानी हमको करेक्टर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है, जैसे ब्लू एंड लॉन्ग लिए थे और रेड एंड राउंड लिए थे, तो हमको ट्रांस फेज में अब करेक्टर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग ब्लू, अब यहाँ पे ब्लू लॉन्ग था तो यहाँ पे ले लेंगे राउंड, क्योंकि ट्रांस फेज में करेक्टर हमारा अलग अलग होंगे रेड एंड लॉन्ग, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल डी बी किसको, ब्लू को शो कर रहा था, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, और कैपिटल ईयर कैपिटल ईयर। अब यहाँ से हमारा एफ वन ऑफ स्प्रिंग बनेगा हमारा, यहाँ से करेक्टर जाएगा बी स्मॉल एल बी कैपिटल एल, दोनों आपस में मिलेंगे बी बी एल एल। अब देखो ये कैसा हमारा, इसको बोलते हम लोग ट्रांस फेज, देखो दोनों क्या है हमारे कैपिटल बी और कैपिटल एल, दोनों क्रॉस सेक्शन में है, स्मॉल बी दोनों क्या है हमारे क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हम लोग ट्रांस फेज, ठीक है। बट लेकिन इसमें भी क्रॉसिंग ओवर है हमारा, इसमें भी क्या है हमारा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब देखो F1 का क्रॉस भी कराएंगे हम, किससे कराना है हमको, रिसेसिव पेरेंट से, यहाँ भी करना है हमको आगे चल के, तो यहीं पे लिख लेते हैं बी बी, और यहाँ से मिलेगा हमको स्मॉल बी एंड स्मॉल एल, ठीक है। बट इसके नंबर आप गैमेट्स पहले बना लेते हैं, ठीक है। जब हमारा क्रॉसिंग ओवर, एक मिनट, ठीक है, नॉर्मल गैमेट है हमारा, क्या हमारा नॉर्मल गैमेट है, तो नॉर्मल गैमेट हमारा क्या बनाएगा बी एल बी कैपिटल, ध्यान देना, ठीक है, बी ए बन गया। अब लेकिन बट इसमें हम क्या किए क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है हमारा, क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद जो गैमेट बनेगा उसको बना लेते हैं, कि यहाँ पे जो गैमेट बना बी कैपिटल एल बी एंड स्मॉल एल, ठीक है, क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट से कराना, ठीक है, इसे कराना हमारा रिसेसिव पेरेंट से, देखो सेम है हमारा, लगभग कुछ आ रहे हैं हमारे, लगभग सेम आ रहे हैं। अब हम एक गैमेट बना लेते हैं,
देखो ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, जो नॉर्मल गैमेट लिए उससे बना हमारा, रेड वाला कलर जो बनाया गया है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर के कारण, और इसका हमको टेस्ट करना है, टेस्ट क्रॉस कराना है। तो टेस्ट क्रॉस हम लोग किसको करते हैं, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अब इसका रेशियो हम लोग करते हैं फाइंड, ठीक है, ये हमारा है, इसके साथ मिल गया, सॉरी सॉरी दूसरा पेन ले लेते हैं, सही बेटर रहेगा, थर्ड इसको ले लेते हैं रेड कलर, फोर्थ, चलो ठीक है। अब हमको गैमिट बना लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल भी देखना, गैमिट लगभग सेम आएंगे हमारे, चलो देखो लगभग हमारे जो ऊपर बना था गैमेटिक कपलिंग में उसी तरह हमारा गैमेटिक रिपल्सन में भी आ रहा है। पहला जो है कैसा होगा हमारा, कैपिटल बी कैपिटल एल है तो ब्लू एंड लॉन्ग हो गया, ये कैसा हो गया हमारा ब्लू एंड राउंड हो गया, ये कैसा हो गया हमारा रेड एंड लॉन्ग है, और लास्ट वाला कैसा है हमारा, ठीक है, ये लास्ट वाला कैसा हो गया हमारा रेड एंड राउंड, ठीक है, चलो रेड एंड राउंड हो गया ना, रेड एंड राउंड, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा रेड एंड राउंड, ठीक है, क्योंकि हमारा स्मॉल एल कैसा कर रहा था हमारा राउंड, बी वाला कैपिटल एल, ठीक है। अब देखो पेरेंटल क्या क्या लिए थे हम लोग, ब्लू एंड राउंड एंड रेड एंड लॉन्ग, ब्लू एंड राउंड एंड रेड एंड लॉन्ग, यानी ये दोनों यहाँ पे अब कैसा शो करेंगे हमारा पेरेंटल, और ये कैसा हमारा रिकॉम्बिनेंट, और ये भी कैसा हमारा रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल इसके रेशियो हम वही लिखना है सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखे थे, देखो यहाँ पे लिखे थे हम लोगों ना, ठीक है, कि हमारा जो पेरेंटल है वो है हमारा 43.7%, 43.7%, और रिकॉम्बिनेंट हमारा 6.3% था हमारा, ठीक है, यानी कम था हमारा रिकॉम्बिनेंट, तो 6.3% और 6.3%, तो रेशियो कैसे आ गया हमारा, ये हो गया 7.7:1:1, ये हो गया हमारे रेशियो हो गए, ठीक है, देखना, ठीक है, ये दोनों रेशियो हमारा देखो अब छोटा सा कर देते हैं हम आपको, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यानी हमको गैमेटिक कपलिंग, चलो बड़ा ही रहने दो, गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्सन, देखो ऊपर भी देखो 7:1:1:7, दोनों रेशियो सेम आ रहा है, बट यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल का ध्यान देना आप लोग सब लोग, और गैमेटिक रिपल्सन की बात कर रहे हैं तो भी हमारा पेरेंटल ज्यादा आ रहा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट हमारा, ठीक है, तो ये हमारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे चीजें हो रही है यहाँ पे कि हमको रिपल्सन और गैमेटिक कपलिंग पता चल गया कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। जब हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो हमारे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों का रेशियो क्या जा रहे हैं हमारे चेंज हो जा रहे हैं, कम बेसी हो जा रहे हैं, बट लेकिन याद रखना है कि नो लिंकेज होगा तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे हमेशा सेम होंगे, परसेंटेज सेम होंगे, दोनों का करेक्टर सेम होगा, रेशियो वहां पे कुछ भी आता हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विषय कई बार बोल रहे हैं ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंप्लीट लिंकेज के बारे में, ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। अब आता है हमारा थर्ड, बात करते हैं जिसकी बात किए थे हम लोग कंप्लीट लिंकेज की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज की जैसी बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा हमारा एबसेंट होगा, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, यानी हमारा क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। लेंगे वही हमारा यहाँ पे भी स्वीट पी लेंगे, जिसमें हमारा है फ्लावर
कलर है हमारा, और दूसरा पोलन साइज, ठीक है, फ्लावर कलर है और हमारा कौन सा है पोलन साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो सेम, तो यहाँ पे हम लोग पेरेंटल नहीं लेंगे, पेरेंटल जैसे था वैसे ही था हमारा पेरेंटल, वहां से हम डायरेक्ट जो एफ वन में था उसको उठा लेते हैं, ठीक है, एफ वन में उठा लेते हैं जो हमारा था। एफ वन में प्लांट कैसा था, नॉर्मल गैमिट की बात करें तो ये था हमारा एफ वन में, ठीक है, ये था हमारा एफ वन में, ठीक है। अब इसको दो चीजें करनी है, एफ वन का क्रॉस, ठीक है, दो चीजें करनी है जो बेस्ट क्रॉस है। पहला हम करा देते हैं एफ वन का टेस्ट क्रॉस, पहला कराना हमको टेस्ट क्रॉस ए, एंड बी करना हमको एफ टू जनरेशन जाना है, ठीक है, एफ टू जनरेशन जाना है, ठीक है, एफ टू जनरेशन निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, टेस्ट क्रॉस कराना है, ठीक है, चलो टेस्ट क्रॉस कराने कोई बात नहीं। तो टेस्ट क्रॉस जानते हैं हम लोग एफ वन के साथ है, जब हम लोग रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस कराते हैं। और एफ टू हम जानते हैं क्या करेंगे, एफ वन का क्रॉस एफ वन यानी सेल्फिंग करा दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एफ टू जनरेशन बोला जाता है। चलो तो हमारे पास एफ वन में क्या था, हमारा कैपिटल बी क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा गैमिट बनाना है हमको, यहां से हम लोग दो गैमिट बना लेते हैं, एक बना हमारा ये और एक बना ये, इससे हमारा एक ही गैमिट बनेगा, ये आपको पता है, नंबर ऑफ गैमिट बता दिए थे निकालने के लिए आपको, ठीक है। चलो यहां से इसके गैमिट लिखना है हमको, और सेकेंड यहां से इसके गैमिट लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे गैमिट लिखना है हमारा स्मॉल बी, ये हो गया। एंड फर्स्ट की बात करें यहाँ पे हमारा तो कैपिटल बी एंड ए हो गया। चलो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा F2 जनरेशन में जाना है, तो कोई बात नहीं, चल चलते हैं हम लोग F2 जनरेशन में, फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग कि F1 के साथ F1 का क्रॉस करा दें तो हो गया उसे F2 जनरेशन। अब यहाँ से भी दो गैमिट बनेंगे और यहाँ से भी दो गैमिट बनेंगे, टोटल हमारे चार गैमिट बनने वाले हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं यहाँ पे गैमिट बी एल एंड बी एंड एल, ठीक है, इसको दूसरे मार्कर से बना लेते हैं, दूसरे पेन से। यहाँ पे देखो ये हो गया, अब आपस में क्रॉस कराने हैं, ठीक है। चलो ये इससे क्रॉस करा दिए, ये इससे क्रॉस करा देंगे, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, चलो एक मिनट रुकना, हाँ पहले इससे फर्स्ट, सेकंड बात करेंगे, हाँ थर्ड एंड फोर्थ जाना ना हमको, फोर्थ, ठीक है। चलो यहाँ पे इस तरह करके हम एरो बना देते हैं जिससे लिखने में आसानी होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ गैमिट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो गैमिट क्या बनेगा हमारा, कैपिटल बी कैपिटल एल किससे क्रॉस किए हैं, देखो बन गया, आप लोग करना क्रॉस करना घर पे, किस और लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्रॉस किए हैं जिससे, वो मिल गया हमारा, ठीक है, देखो दोनों मिल गया हमारा, टेस्ट क्रॉस भी करा लिए और एफ टू जनरेशन भी निकाल लिए, ठीक है। अब देखना यहां से इंटरेस्टिंग बात देखना यहां से, ठीक है, कि जब भी देख रहे हैं यहाँ पे आ जाए, यहां से हम इस तरह लाइनिंग कर लेते हैं, ये हमारा टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। अब ये वाला पौधा कैसा होगा हमारा, ध्यान देना, ये वाला पौधा हमारा ब्लू एंड लॉन्ग है, और ये वाला कैसा हमारा रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड है, ठीक है। यानी हमारे एक पौधे हमारा ब्लू एंड लॉन्ग मिला और एक कैसा मिला हमारा रेड एंड राउंड, यानी टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आ गया हमारा क्या आ गया, 1:1 आ गया, ठीक, कितना आ गया हमारा 1:1, और हम लोग टेस्ट क्रॉस पढ़े भी थे कि वहां का रेशियो कितना आता हमारा 1:1 जब भी हम क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या, अभी हम ध्यान देना, आप लोग कुछ ध्यान पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो बताना, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है,
ये वाला कैसा है हमारा, ध्यान देना, यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देते हैं हम लोग, ब्लू पेन ले लेते हैं। ये वाला कैसा हमारा, ब्लू एंड लॉन्ग। ये वाला कैसा हमारा, ब्लू एंड लॉन्ग। ये वाला भी कैसा है, ध्यान देना, ब्लू एंड लॉन्ग। और ये वाला कैसा हमारा, रेड एंड राउंड। देखो यहाँ पे कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, रेड ब्लू एंड लॉन्ग होगा। यहाँ पे भी कैपिटल बी कैपिटल एल है, रेड एंड राउंड होगा। कैपिटल बी कैपिटल एल ब्लू एंड लॉन्ग होगा, सॉरी ब्लू एंड लॉन्ग होगा एंड, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा रिसेसिव करेक्टर है स्मॉल बी स्मॉल एल, तो रेड एंड राउंड को डिनोट करता है क्योंकि क्या है हमारा, रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ से रेशियो पूछा जाएगा हमारा कि जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो फिनोटिपिक तीन हमारे ब्लू एंड लॉन्ग है, एक हमारा रेड एंड राउंड है, और जीनोटिपिक में ये हमारा अलग है, ये दोनों एक है और ये क्या अलग है, यानी रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:1, ठीक है, ध्यान देना 1:2:1। और यहाँ पे दोनों रेशियो कैसा आएगा हमारा, 1:1, क्योंकि ब्लू लॉन्ग रेड और जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों क्या आ रहे हमारे, 1:1 आ रहे हैं टेस्ट क्रॉस में, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, ठीक है, कुछ पता चला आपको, इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है, एनीवन कोई बताएगा कि हो क्या रहा है लिंकेज में। देखो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमारा किसमें, हमारा कंप्लीट में एब्सेंट है। इनकम्प्लीट में हम लोग देख लिया कि इनकम्प्लीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट बनते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, ठीक है, कि मेंडल ने बोला था, देखना ये हम लोग क्या ले रहे हैं, मेंडल ने बोला था कि यदि हम दो करेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं, दो करेक्टर को क्रॉस करा रहे हैं, तो रेशियो हमारा, या तो हम यदि हम डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो करें, या फिर हम लोग, एक मिनट रुकना, ठीक है, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो करें, या फिर हम लोग डाईहाइब्रिड एफ टू जनरेशन में जाएं। तो यदि हम देखना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाईहाइब्रिड बताए थे आप लोगों को जो क्लास में रहे होंगे उस दिन, कि डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमारा आता है 1:1:1:1, ठीक है, ये डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो था, एंड डाईहाइब्रिड एफ टू जनरेशन का रेशियो 9:3:3:1 आता है, ठीक है, 9:3:3:1 आता है हमारा, ठीक है। चलो ये हमारा डाईहाइब्रिड का रेशियो का एफ टू एंड डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो था हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो करेक्टर लिए हैं हम लोग, क्या क्या लिए हम लोग, फ्लावर कलर एंड पोलन साइज लिए, दो करेक्टर हम भी लिए डायहाइब्रिड क्रॉस में, सेम क्रॉस करा रहे हैं उसी तरह जैसे हम लोग लिखते थे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, सेम क्रॉस किए हम लोग। बट यहाँ पे जब क्रॉस करा रहे हैं तो रेशियो कैसा आ रहा है हमारा, ये मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट कर रहा है हमारा, कैसा ट्रीट कर रहा है हमारा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की तरह रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रहा है इसका, वो भी कैसे आ रहा है, मोनो हाइब्रिड की तरह आ रहा है, ठीक है, सारा हमारा मोनो हाइब्रिड की तरह, ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के कान खोल के, ठीक है, कि दो करेक्टर लिए बट रिजल्ट कैसा आ रहा है, मोनो हाइब्रिड की तरह। यानी यदि कोई गैमीट दिया हो हमको, ठीक है, डाईहाइब्रिड गैमीट दिया हो, डाईहाइब्रिड गैमीट दिया हो, और पूछा जाए उसमें कि लिंकेज प्रेजेंट है, और लिंकेज कौन सा हमारा, कंप्लीट लिंकेज है, लेकिन वो गैमीट कैसा ट्रीट करेगा, मोनो हाइब्रिड की तरह ट्रीट करेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी डाई हाइब्रिड, ध्यान दें, डाई हाइब्रिड गैमीट्स है, ठीक है, डाई हाइब्रिड गैमीट है, बट उसमें क्या हमारा लिंकेज है, और लिंकेज में कौन सा दिया गया है, कंप्लीट लिंकेज, तो कैसे ट्रीट करेगा वो हमारा, कैसा ट्रीट करेगा, मोनो हाइब्रिड की तरह ट्रीट करेगा। यानी मोनो हाइब्रिड मतलब यदि आपको पूछा जाए नंबर ऑफ गैमीट्स, और मोनो हाइब्रिड के लिए कितना होता है, किसके लिए, मोनो हाइब्रिड के लिए नंबर ऑफ गैमीट्स तो 2n, और n नंबर ऑफ मोनो हाइब्रिड के लिए कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ये क्या है हमारा, ये मोनो हाइब्रिड सिंगल करेक्टर, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, ये मोनो हाइब्रिड। डाईहाइब्रिड के लिए कितनी होती है हमारी 2, ट्राईहाइब्रिड के लिए 3 होगी n की वैल्यू, ठीक है। चलो ये याद रखना आप लोग,
ठीक है, लिखे हुए सब ये पीडीएफ में मिल जाएगा इसी तरह, ये आपको लिख दिया गया, वैसे लिखते नहीं हम लोग, ठीक है। चल तो ये थोड़ा ध्यान देना कि यदि लिंकेज है, फिर बता रहे हैं ध्यान से सुनना, यदि लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, किसी गैमिट में दिया गया, बोला गया है, तो वो गैमिट जिसमें बोला गया, जिस गैमिट में बोला गया, कितने भी गैमिट, 16 गैमिट दिया, 16 गैमिट में बोल दिया कि इसमें क्या है हमारा कंप्लीट लिंकेज, सारे के सारे गैमिट कैसे ट्रीट करेंगे, मोनो हाइब्रिड की तरह, क्योंकि हमारा रेशियो भी कैसा, डाई हाइब्रिड लिए थे लेकिन रेशियो कैसा आ रहा था हमारा, मोनो हाइब्रिड की तरह। बट लेकिन पूछा गया कि लिंकेज है, कोई गैमिट दिया गया लिंकेज है, उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो हमारा नॉर्मल गैमिट की तरह ट्रीट करेगा, कोई उसमें चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान देना दो चीजें बोली है हमने, ठीक है, लिंकेज है, दो लिंकेज, एक इनकम्प्लीट और एक कम्प्लीट। इनकम्प्लीट बोला जाए कि किसी गैमिट में दिया गया है, कोई भी आपके नॉर्मल गैमिट बोला गया उसमें कि इसमें हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो जैसा गैमिट ट्रीट कर रहा था मोनो डाई ट्राई टेटा पेंटा, तो उसी तरह ट्रीट करेगा, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं करने की आवश्यकता है। दूसरा बोला गया आपको कि इसमें हमारा कंप्लीट लिंकेज है इस गैमिट में, तो गैमिट टोटल के टोटल कैसे, जिसमें बोला गया, जिसमें बोला गया उसी में, जिसमें नहीं बोला गया तो कुछ करना ही नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पे, ठीक है, तो कैसा ट्रीट करेगा, मोनो हाइब्रिड की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एस नो आंसर बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। किसी का, हाँ, मेंडल के मोनो हाइब्रिड जैसा ही काम करेगा जिटेडा जी, ठीक है, सेम कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एस नो बताते हुए चलिए, सब लोग मैसेज कीजिए, लगभग 27 लोग हैं जिनकी आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सही क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत सही, गुड, चलो ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है, कि यहां बताना है, गैम दिया गया है, ए बी रुकना सी डी एंड ई, ठीक है, ठीक है। अब यहां बता रहा है कि हमको फाइंड करना है टाइप्स ऑफ गैमिट्स, किसमें किसमें टाइप्स ऑफ गैमिट्स, फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ गैमिट्स बताना है, नंबर ऑफ गैमिट्स, सॉरी टाइप्स ऑफ गैमिट नहीं बनाना है यहाँ पे, आपको नंबर ऑफ गैमिट्स फाइंड करना है, किसमें किसमें फाइंड करना। पहला दिया है कि नो लिंकेज, कोई भी लिंकेज नहीं है। सेकंड बात कर रहा है कि इसमें कैसा हमारा इन कंप्लीट लिंकेज है, हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज है हमारा, ठीक है। और थर्ड दिया गया है हमारा कैसा, हमारा कंप्लीट लिंकेज, कैसा हमारा थर्ड, कैसा हमारा कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है। चलो आप इसको फाइंड करो, पहले कोशिश करो, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है, आप लोग शुरू कर दो, ठीक है। ये गैमिट दिया है आपको, याद रखना गैमिट दिया है, गैमिट में हमको फाइंड करने हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ लिंकेज, ठीक है, नंबर ऑफ गैमिट फाइंड करने हैं आपको। ऊपर दिया गया, पहला दिया है नो लिंकेज है हमारा, दूसरा दिया इनकम्प्लीट लिंकेज, और तीसरा दिया कंप्लीट लिंकेज। जैसे शुरू शुरू में जो क्लास अटेंड किए होंगे, नहीं अटेंड किए तो कोई बात नहीं, उनको मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, तो उसमें हम लोग बात किए थे नंबर ऑफ गैमिट्स, आपको बताए थे, कई लोगों को बताए थे आपको, ठीक है। तीनों बताने हैं, ये 1 2 3 लिख के बताना है, ठीक है, 1 2 3 लिख के दीपिका। अब एट नंबर ऑफ गैमिट्स किसमें है, 1 है कि 2 में है कि 3 में है, ट्राई तो बढ़िया किया आपने दीपिका जी, ठीक है, बट उसमें आपको फाइंड तो करना पड़ेगा ना कि 1 2 3 तीनों में पूछा क्या है, नंबर ऑफ लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज में, तीनों में फाइंड करना है आपको। कोशिश करें आप लोग, चलो किसी का और आ गया, हाँ हाँ ठीक ठीक ओके, सब लोग कोशिश करें एंड क्यू एंड ए में आंसर बताएं। चलो वेरी गुड श्रुति, बहुत सही, वेरी गुड, फर्स्ट में 8, बहुत सही, वेरी गुड, और लोग भी ट्राई करें। किसी को और है क्या, हाँ सही है,
सही है श्रुति श्रुति सृष्टि ठीक है वेरी गुड। दो तीन लोग जिन्होंने आंसर दिया बहुत सही दिया है ठीक है फर्स्ट में ठीक है क्योंकि हम लोग नॉर्मल गैमेट वाला था उनको पता ही है तुरंत कर लेंगे ठीक है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट वाले की बात है तो उसमें ट्राई करते हैं हम कुछ नहीं अभी हम जस्ट जो सेंटेंस बताएं उसी को आपको फॉलो करना है ठीक है। यदि आप वो फॉलो कर लेते हो तो अपना काम बन जाएगा। ट्राई करें सब लोग। यदि सबको आप लोगों ने बोला था समझ में आ गया एक्सरसाइज में आके पढ़ा ठीक है मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग ठीक है। दो तीन क्वेश्चन इसमें ट्राई कर लेंगे जिससे आपको सबको समझ में आ जाए फिर ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ट्राई करें जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें ठीक है। सेकेंड और थर्ड कोई बताए अरे तुक्का भी मार सकते हो कि सर ये बनेगा ठीक है सर ये भी बन सकता है अपने पास तो क्या है पैसे तो लग नहीं रहे हैं तुक्का मारने में ठीक है तो अंदाजे मार दो आप लोग ठीक है। अभी ऑप्शन देते तो तुरंत बता देते कि ओ सर पहला सेकेंड थर्ड ठीक है किसी का आया नहीं वन चल बताते हैं हम ठीक है। चलो पहला तो बता दिया ठीक है पहला हमारा कि इस गैमेट में दिया है ठीक है। अब देखो नो लिंकेज ठीक है नो लिंकेज हमको फॉलो वही करना है फॉर्मूला नंबर ऑफ गैमेट का हमारा दोनों जगह वही लगेगा टू दी पावर एन तीनों जगह वही लगेंगे टू दी पावर एन एन हमारा है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन ठीक है। तो चलो इसमें यदि हम हेट्रोजाइगस ढूंढ लें तो अपना काम बन जाएगा जरूर बनेगा। एक हेट्रोजाइगस दो एंड तीन तीन ही हेट्रोजाइगस है यानी एन की वैल्यू जो आने वाली है लगभग हमारी क्या आनी चाहिए थ्री यदि हम लोग नॉर्मल की फॉर्मूले की बात करें नॉर्मल गैमेट की बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो पहला दिया है नो लिंकेज मतलब हमारा नॉर्मल गैमेट की तरह फॉलो कर रहा है कुछ भी दिक्कत नहीं है लिंकेज में है ही नहीं कुछ हमारा यानी सारे करेक्टर हमारे जैसे के थे वैसे ही पड़े हैं ठीक है। एन की वैल्यू थ्री है तो टू दी पावर एन टू दी पावर थ्री कितना आ गया कैसा लिखा रहा है एट ठीक है कितना हो गया हमारा एट हो गए नंबर ऑफ गैमेट कितने बन गए हमारे एट कई लोगों का आंसर सही है बहुत बहुत ठीक है। सेकेंड इनकम्प्लीट लिंकेज की बात कर रहा है अभी हम बोलेंगे कि इनकम्प्लीट लिंकेज दिया होगा तो भी वो क्या करेगा हमारा नॉर्मल गैमेट की तरफ फील करेगा कोई भी उसमें चेंजेज नहीं करना आपको कोई भी चेंजेज हमको नहीं करना तो ये भी कैसा करेगा टू दी पावर एन टू दी पावर थ्री और एट आ गया ठीक है। चलो गुड जैसा नॉर्मल गैमेट उसी तरह इनकम्प्लीट भी हमारा उतना ही आएगा ठीक है ये याद रखना ठीक है किसी में भी दिया गया हो। थर्ड हमारा जो फंसाता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या बोलता है कि जितने भी गैमेट हैं यदि बोला गया कि इस गैमेट में बोला गया है कि इसमें पूरे के पूरे गैमेट में कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट है कुछ ऐसा डिनोट नहीं किया गया कि ए में है बी में है बस लिखा गया कंप्लीट लिंकेज यानी हमारा मान लेते हैं पूरे गैमेट में कंप्लीट लिंकेज बोल रहा है। कंप्लीट लिंकेज मतलब कंप्लीट लिंकेज मतलब हमारा कि एन की वैल्यू यहाँ पे कैसा होना चाहिए वन एन की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे साहब वन हो जाएगा कैसे क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारा मोनो हाइब्रिड की तरह ट्रीट करेगा तो यहाँ पे यदि मेरे कहाँ चलिए ठीक है तो टू दी पावर एन टू दी पावर वन रिजल्ट कितने आ गए हमारे टू आ गए क्योंकि हम लोग कंप्लीट लिंकेज में बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज कैसा ट्रीट करता है मोनो हाइब्रिड की तरह तो मोनो हाइब्रिड एन की वैल्यू हमेशा वन होती है तो ये कैसा होगा हमारा टोटल की टोटल कैसा हो जाएगा हमारा दो हो जाएगा ठीक है। तो आंसर क्या होगा एट एट टू ठीक है। चलो अब ये ध्यान रखना ठीक है आप लोग ये ध्यान रखना अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे कर लेते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन दिया आपको ए बी सी डी अब आप तुरंत बता देना ठीक है। इसमें भी वही करना सेम कि नंबर ऑफ गैमेट्स बताने आपको कब कब कंडीशन में फर्स्ट आप तो आंसर बता दोगे तुरंत नो लिंकेज सेकंड आप लोग आंसर बताओ फटाफट अब आ जाने चाहिए देखो आना शुरू भी हो गया सबको एन की वैल्यू निकाल लिए तो अपना काम हो गया और कुछ करना नहीं है किसी का आंसर आ भी गया वेरी गुड
हाँ बहुत लोगों का ये बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। 16 16 16, ठीक है देखो फिर एक एक का, चलो 1 16 16 16 सर, 2 2, हाँ ठीक है। फर्स्ट में 9, किसी का 9 आ गया, नितिन जी का ठीक है, 9 नहीं आएगा 9 नहीं आएगा। 2 का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो 9 कहाँ आता है जी? मैं थोड़ा सा होता है समझते हैं, बाय वाले हम लोग हैं, नितिन जी थोड़ा सा बताता ऊपर नीचे ठीक है। 2 का स्क्वायर कभी भी करेंगे कहीं पे भी 1 हो 2 के स्क्वायर पे 1 हो ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कभी 9 नहीं आएगा। चलो चैट में भी आ गया कई लोगों का आंसर, तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया ठीक है। बहुत सही वेरी गुड, 16 16 2, वेरी गुड वेरी गुड ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे कितने, हमारे 1 2 3 4, यानी 2 द पावर n, n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, 4 आ गई, यानी 2 द पावर 4। तो यही कर सकते हैं, देखो नितिन जी थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं, 4 4 16 कितने हो गए, 16, 9 कहीं नहीं आएगा, मिस्टेक हो गया होगा हमको टाइप करने में आपको लगता है ठीक है। तो पहले का आंसर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा 16, नॉर्मल गेम ही था हमारा ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो उसमें भी कितना आ गया हमारा 16, और थर्ड में हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा पूरी की पूरी गेमिंग कैसा ट्रीट करेगा हमारा, मोनो हाइब्रिड की तरह ट्रीट करेगा ठीक है। गुड, चलो हमको लगता है सबको आंसर आ गया ठीक है, सबको समझ में आ गया चीजें ठीक है। अब आ जाओ इससे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन, देखना ध्यान देना आप लोग। दिया गया है ए बी एंड सी ठीक है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स बताने हैं। पहला नो लिंकेज, सेकेंड हमारा दिया है इन कंप्लीट लिंकेज, और थर्ड दिया हमारा कंप्लीट लिंकेज ठीक है। अभी सुनना, अभी कोशिश मत करना ठीक है, कंप्लीट लिंकेज पूछ रहा है ठीक है। कंप्लीट लिंकेज दिया गया है कि प्रेजेंट किसमें है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ठीक है, किसमें हमारा कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट है, सिर्फ ए एंड बी में, सी में नहीं हमारा लिंकेज ठीक है। तो अब नंबर ऑफ गैमेट्स बताने हैं हमको ठीक है, नो लिंकेज में इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज में बोला गया है, कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट किसमें हमारा, सिर्फ ए एंड बी में प्रेजेंट हमारा कंप्लीट लिंकेज, सी हमारा नॉर्मल की तरह है ठीक है। तो आंसर क्या क्या होगा, चलो ट्राई करो आप लोग। बहुत लोगों का आंसर आ गया लगता है, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स रॉक कर देंगे हम लोग तो ठीक है। बहुत सही आंसर दिया ठीक है, हाँ ठीक है। एक और एक और एक और कंप्लीट लिंकेज वाला ठीक है, चैट में सही है सही है सही है। 4 4 नहीं होगा आस्था जी, एक बार ट्राई करें, ट्राई करें, कोशिश करें, ट्राई, कहीं गड़बड़ हो गया हमसे ठीक है। हाँ 4 किसी का, हाँ सही है सही है सही है 4, लेकिन ऐसे लिखना है 1 2 3, हम क्या जानेंगे 4 किसका बोल रहे हो आप ठीक है। सही है वेरी गुड ठीक है दीपिका जी, ट्राई करें एक बार ट्राई करें, लास्ट वाला कुछ गड़बड़ आ रहा है ठीक है। कंप्लीट लिंकेज बोला गया ए एंड बी में, ओनली फॉर ए एंड बी में बोला गया है, बहुत सही बहुत सही। शुभम प्रणय आस्था ठीक है, आस्था जी फिर गड़बड़ हो गया एक जगह कहीं पे ठीक है। एट 4 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है, चैट में भी सही आंसर आ रहे हैं, सारी जगह सही आ रहे हैं ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत सही आंसर आप लोगों ने बहुत सही दिया ठीक है। देखो फर्स्ट में हमारा, देखो हाँ बहुत सही ठीक है, हाँ सही है ठीक है। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं कि हमारा एन की वैल्यू, पहले एन की वैल्यू यदि हम फाइंड कर लें तो अपना काम बन जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है, हमको सबको पता चल रहा है। तो पहला 2 द पावर n, 2 द पावर 3 कितने हो गए 8। सेकंड में भी वही करना है हमारा, सेम हमारा रिजल्ट होगा हमारा, क्योंकि दोनों क्या करते हैं हमारे नॉर्मल गैमेट की तरह ट्रीट करते हैं। थर्ड में दिया गया है कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट है ए एंड बी, तो ए एंड बी कैसा ट्रीट करेगा, नंबर ऑफ गैमेट कितना होंगे हमारे 1, एन की वैल्यू 1 और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 1 1 2 ठीक है, 1 1 कितने हो जाएंगे 2,
यहाँ पे एन की वैल्यू कंप्लीट लिंकेज में क्या आ गया हमारा टू, क्योंकि ए तो नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा है तो अपना गैमिट देगा ही हमारा टू दी पावर वन, और ए टू दी पावर वन कितने हो गए फोर, ठीक है, तो टू दी पावर टू कितना हो गया हमारा फोर, तो आंसर आ गया एट एट फोर, क्योंकि देखो कंप्लीट लिंकेज में हम लोग यहाँ बना लेते हैं ये ए की तरह गैमिट ट्रीट करेगा और ये तो ए टू दी पावर वन, टू दी पावर वन टू 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 इंटू टू कितना हो गया हमारा फोर, जिसको नहीं समझ में आएगा ठीक है। अब देखो यही हमारा क्वेश्चन होते हैं मजेदार, ठीक है, जैसे हम लोग नंबर ऑफ गैमिट्स बात किए थे निकालने के लिए, सेम हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं नंबर ऑफ गैमिट्स ही निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, लिंकेज और नॉन लिंकेज को कैसे हम डिसाइड करेंगे, यदि ऐसा दे दिया तो हम नंबर ऑफ गैमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये आपको लिंकेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है, लिंकेज हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है, हमको लगता है हो सबको समझ में आ गया वो लिंकेज, ठीक है, सबको आ गया क्वेश्चन में, हमको लगता है सबको समझ में आ गए होंगे, ट्राई करना घर पे एक बार और ट्राई करना आप लोग, ठीक है, ठीक है रोहन जी, ठीक है वेरी गुड, सही, कोई बात नहीं, ट्राई हम लोग रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पे पूछा गया है रोहन जी, ठीक है, कि दिया गया नो लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज की बात किया, ठीक है, तो नो लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज हम जानते हैं दोनों कैसे करता है, नॉर्मल गैमेट की तरह ट्रीट करता है, तो ए बी हमारा तीनों में क्या है हमारा हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हमारे पास तीन, थ्री हमारे, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई थ्री, तो हमारा नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला होता है टू दी पावर एन, तो एन की वैल्यू हम रख दिए थ्री, तो हमारा नो लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज सॉरी, ठीक है, चलो दोनों एक तरह ट्रीट करेंगे तो दोनों का आंसर एट एट आ गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड बात, थर्ड बात कर रहा है हमारा कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है हमारा कंप्लीट लिंकेज की, तो कंप्लीट लिंकेज बोला क्या है ए एंड बी में प्रेजेंट है, तो ए एंड बी कैसे है हमारे मोनो हाइब्रिड हो गए और सी वाला अलग है, ठीक है, तो सी वाला अपना गैमेट तो देगा ही और ए वाले मिलकर एक गैमेट देंगे, तो वन गैमेट इधर से वन इधर, दोनों को जोड़ दे टू, एन की वैल्यू टू आ गई, तो हमारा एन की वैल्यू टू आ गई तो कितना हो जाएगा हमारे पास फोर, देखो यहाँ पे बना के दिए हम, ठीक है एक मिनट ऊपर नीचे होने में टोटल को एन वन लेना है तो वन ले लिए, तो टू दी पावर एन होता है हमारा वन की टू, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू वन आ गया, अभी टू इंटू टू कितने हो गए फोर, जिसमें बात कर रहा है वही सिर्फ हमारा मोनोहाइब्रिड की तरह ट्रीट करेगा, जिसमें बात नहीं कर रहे हैं अपना जैसा ट्रीट कर रहा है वैसा ट्रीट करेगा, जैसे यदि आपको दे दिया जाए यहाँ पे ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग बी सी सी एंड डी एंड डी, ठीक है ये ऐसा बोला गया, ठीक है ऐसा आप लोग करना आप कर सकते हो, अब बोला गया कि सिर्फ इसमें हमारा कैसा है कंप्लीट लिंकेज, नॉर्मल बता लोगे नो लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज दोनों का रेशियो सेम है, हमको होप्स सबको पता होगा, यदि पूछा गया यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है सिर्फ ए एंड बी में, देखना ए एंड बी में है तो ये कैसा ट्रीट करेगा हमारा एन की वैल्यू वन, अब ये दोनों तो अलग है तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई टू, तो टू इंटू टू फोर, इसका तो फोर आ गया और इसका कितना हो गया टू, तो फोर इंटू टू कितने हो गए टोटल एट, यहाँ पे कितने आंसर आ गए हमारे एट आ गए, कंप्लीट लिंकेज की बात किया जा रहा है तब की बात बोल रहे हैं, ठीक है होप सो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है रोहन जी आ गया समझ में, क्लियर है यस नो, ठीक है नंबर क्या करेंगे रवि जी, नंबर क्या करेंगे, ठीक है नंबर नंबर क्या करोगे लेके अभी, ठीक है बस कुछ दिन बाद हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन भी मिलेंगे, घबराओ मत बेटा, आपका सरकार ने आज बोल दिया है ठीक है कि 11 तारीख से स्कूल कॉलेज सब स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे आज, ठीक है आज सरकार ने निर्णय ले लिया 11 मतलब बोल दिया, लेकिन मकर संक्रांति के बाद ही नॉर्मल चीजें होंगी क्योंकि उसके बाद छुट्टी हो जाएंगी, ठीक है तो हम जल्दी मुलाकात करेंगे बेटा, ठीक है आप लोग अच्छे से दुआ करो अच्छे से आराधना करो कि हम लोग जल्दी मिले ऑफलाइन में होंगे सर, मुंबई में नहीं ना, ठीक है हाँ मुंबई में नहीं होगा ठीक कोई बात नहीं, मुंबई में नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है मुंबई में भी हम कोई बात नहीं हम लोग मिल लेंगे बाद में मिलेंगे, ठीक है जैसा होगा आपको बताया जाएगा, सर से हम पूछ लेंगे एक बार नंबर के लिए, ठीक है सर हमारा कब होगा, ठीक है हाँ हाँ सबका होगा, अभी जो जो गुजरात में है उनका तो ऑर्डर आ गया, मुंबई में भी ऑर्डर आने वाले हैं, ठीक है चलो गुड,
ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, ऑनलाइन तो यहीं प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर भी दे दिए जाएंगे आपको, कोई बात नहीं, जैसे आपके सुविधाएं देखी जाएंगी सब दी जाएंगी आपको, ठीक है। चलो ग्रुप बना दिया जाएगा जिससे आप लोग पूछ लोगे। अब आगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिंकेज हो गया हमारा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, पिछले साल लगभग नहीं पूछे गए थे, तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, सब मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, सब कुछ रिकॉर्डेड होंगे, पीडीएफ में नोट मिलेंगे, सब फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ से। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस, ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस। अब दो टॉपिक बचा है हमारा सिर्फ, एक पेडिग्री एनालिसिस है, दूसरा हमारा डिजीज है, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस के पढ़ने के पहले हम लोग इसमें बात करते हैं सिंबॉल्स की, किसकी बात करेंगे, सिंबॉल्स कैसे कैसे जनरेट होता है, ठीक है, यानी हम लोग बायोलॉजिकल हैं, तो यदि ये दिया है तो फीमेल, इस तरह का दिया है तो मेल, दोनों कैसे हमारे नॉर्मल, ठीक है, एनसीईआरटी में सब दिए हैं, हमको थोड़ा जानने हैं, ठीक है। यदि दोनों को डार्क सर्कल से कर दिया, ठीक है, दोनों को डार्क सर्कल कर दिया तो ये क्या हो गया हमारे अफेक्टेड फीमेल, यानी इसको कोई डिजीज है, और यहाँ पे भी कैसा हो गया हमारा अफेक्टेड मेल, ठीक है, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल, ये चार आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये चार आपको पता है तो अपना काम हो जाएगा। यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, कि 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, चल गुड। अब देखो कुछ और सिंबल हैं जिसके बारे में बात करना है, ठीक है, जैसे मान लो ये दे दिया, ऐसे देगा तो नहीं आपको, ठीक है, बना सही से नहीं बना सही से, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, चलो इसका मीन्स हो गया सेक्स नॉट स्पेसिफाइड, बताया ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल, यदि ऐसा हमको डिब्बा मिलता है, ऐसा टेबल मिलता है हमारा टूल, ठीक है, चलो कुछ है हमारे इस तरह करके दिया रहेगा कि हाफ सर्कल है, क्या हमारे सिर्फ हाफ सर्कल है, इसका मीन्स हो गया ये सिर्फ क्या हमारे कैरियर है, सिर्फ क्या हमारे कैरीड है, ठीक है, इसको डिजीज नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे क्या है कैरियर है हमारे, ठीक है, सिर्फ कैरियर्ड हमारे। नेक्स्ट है हमारा कि इस तरह का दिया है, एक एरो बना के दिया है, यानी मेटिंग, या फिर इसे बोलते हम लोग रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेटिंग यानी शादी हो गई, ठीक है, मेल और फीमेल की नॉर्मली शादी हो गई हमारी, ठीक है। अब आ जाओ यदि दो क्रॉस दिया है, ठीक है, एक क्रॉस दिया है तो नॉट क्लोजली रिलेटेड मैरिड, ठीक है, नॉट क्लोजली कोई भी रिलेशन में नहीं आ रहा, दूर दूर की शादियां हो रही हैं, ठीक है, बट दो लाइन दे दिया गया है, यानी हम क्लोज रिलेटेड शादी कर लिए, ठीक है, क्लोज रिलेशन में शादी कर लिए, बहुत ज्यादा क्लोज, उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कंजुनियस मेटिंग, यानी हम लिख लेते हैं रिप्रो डक्शन बिटवीन क्लोज रिलेटिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन बिटवीन क्लोज रिलेटिव, ठीक है, ये याद रखना, एरो हमारे साइन याद, वो क्या है वो, चल ठीक है। अब देखो इस तरह का कहीं पे दिया है आपको, जैसे याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, नेक्स्ट जनरेशन, क्या बोलते हैं इसे, नेक्स्ट जनरेशन, यानी अब कोई नेक्स्ट जनरेशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे इस तरह करके सबको सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको कुछ टेबल से कुछ सिंबल हैं जो आपको याद रखने हैं और आगे भी काम आएगा, इसको बोलते हैं प्रोजिनी या फिर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के देंगे हमारे, दिया होगा सिंबल कहीं पे आपको दिया लिखा हो मिल जाए, ठीक है, या फिर
या फिर ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन आइडेंटिकल्स ट्विंस, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात की जाएगी, ठीक है। अब आइडेंटिकल ट्विंस कौन सा होगा, यदि हम इस तरह टेबल बना लें और दोनों को आपस में जोड़ दिए, दूसरा ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ है, हमारे टेबल्स हैं जिसको आपको ठीक है बस ध्यान रखना, जिसमें से हमारा जो फोर ऊपर के फोर है हमारे, ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद है तो अपना काम चल जाएगा। बट इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कल नीट अब थोड़ा सा एम्स सब कुछ इसी में हो गए हैं तो कुछ आ सकते हैं हमारे, ठीक है। तो मेल फीमेल हमारा नॉर्मल है हमारा, जिसमें कोई अफेक्टेड चीज नहीं दिया गया है, फिर इसको डार्क सर्कल कर दिया तो अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड मेल हो गए, इस तरह का दिया है बॉक्स बना के दिया है तो सक्सेस, नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, हाफ सर्कल है तो कैरिड है हमारा, एक सिंगल लाइनिंग है तो मेटिंग है बट नॉट क्लोज रिलेटिव, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बट नॉट क्लोज रिलेटिव, रिलेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि इस दो लाइनों से आपस में मेल एंड फीमेल को जोड़ा गया है तो रिप्रोडक्शन बिटवीन क्लोज रिलेटिव, इस टी टाइप का दिया है इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन, देखो नेक्स्ट जनरेशन, देखो यहाँ पे ये भी हमारा, देखो यहाँ से हम ब्लू लाइन से चलो देखो ए टी है, ए टी दिया गया इस तरह करके, ये क्या है नेक्स्ट जनरेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा है प्रोजिनी, हमारा ऑफस्प्रिंग इस तरह दिया गया है टेबल्स बना के तीन चार नीचे करके से बनाते हुए नीचे तक चला गया तो उसे बोलते हैं प्रोजिनी या फिर ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारे हैं। एक और देता है हमारा, चलो लिख लेते हैं इसको भी, इस तरह दिया है हमारा या फिर इस तरह दिया गया, ठीक है, बीच से क्रॉस कर दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया उसकी डेथ हो गई ऑफस्प्रिंग की, अब इसके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना आपको जानना है मोस्ट, इतना यदि आपको पता है तीन चार बार बनाना आप लोग, ठीक है, ड्रा करना, आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे कैसे हमारा प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब करना क्या है आपको, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से समझना, ठीक है, वैसे तो आज टॉपिक नहीं हो पाएगा, ठीक है, कि जैसे मान लो हमको दिया कैसे रहेगा, ठीक है, हमको चार चीजें फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड क्या करना है, चार चीजें, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहला राइट द जीनोटाइप, हम लिख लेते हैं क्या पेडिग्री डिग्नोसिस को करना क्या क्या है, पहला आपको आएगा राइट द जीनोटाइप लिखने के लिए कि जीनोटाइप कैसे लिखना है हमको, सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा हमको कि ये जो टेबल्स है या फिर जो हमारी पेडिग्री है वो कैसी कैसी है, ठीक है, चार क्वेश्चन पूछेंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा ऑटो सोमल डोमिनेंट है कि सेकेंड ऑटो सोमल रिसेसिव है, थर्ड एक्स लिंक डोमिनेंट है कि एक्स लिंक रिसेसिव, ये चार चीजें आपको पूछी जाएंगी और एक, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था पेडिग्री एनालिसिस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब लग रहा है सारे तो पांच हो गए, ठीक है, अब पांच में हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम है, ठीक है, बहुत आसान है, सबको एक तरह से पता करना है हमको, ठीक है, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव, राइट द जीनोटाइप, ठीक है। अब क्या होता है, आपको स्कूलों में और जगह सिखाया जाता है, पहले हमको जीनोटाइप लिखते हैं, लिखने में जीनोटाइप हमारे चले जाते हैं, ठीक है, हम लोग गेस करके लिखते हैं कि ये हो सकता है डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, इस तरह करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम वहां से पता करते हैं, अच्छा ये से इससे क्रॉस करके गया है तो हमारा ये जाएगा, ठीक है, कम से कम 3 से 4 मिनट यदि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तब ये हमारा काम करता है जल्दी जल्दी, ठीक है, यदि नहीं है तो फिर 5 मिनट तो लेगा ही लेगा, ठीक है, बट लेकिन हमको इसको आसानी से करना है, ठीक है, जल्दी से करना है क्योंकि हमारे पास नीट में इतना समय नहीं होते, हमारे पास सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं हमको फटाफट, ठीक है, तो करना क्या है, दो चीजें यहाँ पे पॉइंट आप लोग याद रखना जो नोट करके लिख रहे हैं हम लोग, कि हम पढ़ते थे कि डोमिनेंट, देखना हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी डोमिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे पेन से लेते हैं,
ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनेंट की बात कर रहे हैं और दूसरा रिसेसिव की बात करें, ठीक है। हम जानते हैं डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट जो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस बोथ कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है डोमिनेंट वाला करेक्टर। ये माइंड में आपको रिकॉल होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, समझा भी दिए थे, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। डोमिनेंट क्या करेगा हमारा, होमो एंड हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस करता है हमारा, बट रिसेसिव ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। यानी हमारा डोमिनेंट इसमें भी एक्सप्रेस कर रहा है और इसमें भी एक्सप्रेस कर रहा है देखो, बट हेट्रो वाला सिर्फ ये एक्सप्रेस कर रहा है। ये हमको पेडिग्री यहाँ से पहले हमको याद होना जरूरी है, इसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ गए जी, चलो ठीक है। अब क्या होगा, आपको जैसे आपको दिया कैसे जाएगा, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, कि जैसे ये बना के दे दिया गया, हम लोग कल करेंगे इसको पूरी अच्छी तरीके से, चलो ये आपको इस तरह बना के दे दिया गया, ठीक है। ये आपको इस तरह सर्कल कर दिया गया, डार्क सर्कल करके, ठीक है, ये दे दिया गया। अब ये पूछा जाएगा कि ये जो पेडिग्री दी गई है ये कैसी है, ठीक है। पेडिग्री कैसी है हमारी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्सलिंक डोमिनेंट एंड एक्सलिंक रिसेसिव, पहला तो ये आपको दिया जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा, जैसे ये दे दिया गया है कि आप इसमें बताइए थर्ड जनरेशन में फोर्थ ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा। ये हम देखे हैं दोनों के, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द जीनोटाइप, और इन चारों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह आपको टेबल दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द जीनोटाइप, पूछेगा थर्ड जनरेशन में, सेकंड, फोर्थ, जो भी जितना भी टेबल दिया वो जितना अपना दिया है उसके हिसाब से पूछेगा। सेकंड पूछेगा आपको कि इसका कौन सी पेडिग्री को डिनोट कर रहा है हमारा रिसेसिव, हमारा रिसेसिव कैसा है, एक्स लिंक रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह क्वेश्चन होंगे और इस तरह हम लोग ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा टेबल बनाएंगे जो हम लोग को तुरंत दो सेकेंड के अंदर हम उसको ड्रॉ करेंगे, बट इसके पहले हम लोग इसको बेसिक पढ़ेंगे इसका, फिर आगे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको आज नहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि आधा अधूरा छूट जाएगा इस टॉपिक को। तो कल हमारा दो ही चीज है हमारा, ठीक है, पहला हमारा पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे और दूसरा डिजिट, कल चैप्टर हमारा जल्दी से फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ डाउट आउट कर लेंगे या फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कल क्वेश्चन ले आएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे कल मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम बात करेंगे कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिए कि करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, बट उसको ले जाने का कौन कौन करता है हमारा, तो कौन काम करता है हमारा, डीएनए आरएनए प्रोटीन कैसे कैसे डिस्कवरी की गई है, तो इस तरह सर फर्स्ट जीन और सेकंड जीन, अभी तो जीन पढ़े ही नहीं, डीएनए आरएनए आ जाने दो बेटा, ठीक है। डीएनए आरएनए हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, तो वहां पे बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन, अच्छा फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, ठीक है। देखो अच्छा इसमें बात करें टेबल पेडिग्री में बेटा, ठीक है, पेडिग्री वाला हम कल बताएंगे कैसे हम लोग जनरेशन डिसाइड करेंगे, जनरेशन में फिर सेकेंड जनरेशन या थर्ड या फोर्थ जनरेशन, उसमें ऑफ स्प्रिंग कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कल देखेंगे, इतने तो हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, लेकिन बट यदि आपको दिया गया है चीजों को, जैसे मान लो F1 दिया है तो हमारा ये फर्स्ट जनरेशन है फिलियल, और F2 दिया है तो सेकेंड जनरेशन फिलियल है, F3 दिया है तो थर्ड जनरेशन फिलियल है, ठीक है, ये हमारा यदि मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड, लेकिन जब इसमें पेडिग्री की बात करेंगे तो हम कल देखेंगे कैसे हम लोग जनरेशन डिसाइड करेंगे, किस पेरेंट का कौन सा ऑफ स्प्रिंग है हमारा, ठीक है, ये भी डिसाइड करेंगे, तो कल देखेंगे इसको बेटा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर आज पुणे कैंपस में हो क्या? नहीं बेटा आज पुणे कैंपस में नहीं हूं मैं अभी, ठीक है, अभी पुणे कैंपस में नहीं हूं मैं, उधर से बाहर हूं मैं अभी, ठीक है, आता हूं तो फोन करेंगे आपको, जरूर मिलेंगे आप लोगों से। हाँ हाँ मिल जाएगा ठीक है।
अपना नाम तो लिख लीजिए, क्या लिखे हैं, 2021TNBCO4, इससे अच्छा नाम आपके मम्मी पापा रखे होंगे, नाम तो लिख लिया कीजिए, ठीक है। कोडिंग भाषा, बहुत सही, नहीं एनी आइडिया नहीं है, पुणे का कुछ नहीं है, वैसे महाराष्ट्र के लिए ऑर्डर तो आए हैं, ठीक है, लेकिन अब देखो कब चालू करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएंगे न्यूज में, ठीक है। चलो वो तो जबकि होंगे, जबकि बात किया जाएगा, ठीक है। पढ़ाई से कोई डाउट हो वो तो आप पूछ सकते हो, जब स्टार्ट होगा कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर पढ़ ही रहे हैं, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए फर्स्ट, चाहे बंद रहे चाहे क्लोज रहे, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट इन अदर पर्सन, अदर गवर्नमेंट एनी अदर पर्सन, कोई भी, ठीक है। चल ठीक है, तो आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनी वन, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ में नोट भी मिल जाएगा। सर आपने कल होमवर्क दिया था, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, कल कल कर देंगे, लास्ट है ना, कल कर देंगे वो आपको। हाँ देखो याद आ गया अभी, ठीक है, अभी बता दिया किसने, ठीक है। क्या था, हाँ ठीक है, हाँ उसमें हम लोग पॉल्यूशन या उस तरह का दिए थे, ठीक है, सेंटी मॉर्गन एंड मॉर्गन की बात किए थे, ठीक है, हाँ शायद, ठीक है, उसमें दिए थे, कल देख लेंगे, ठीक है, अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है, कल करा देंगे, कोई बात नहीं, कल चैप्टर के बाद हम उस क्वेश्चन को करा देंगे, एक क्वेश्चन उसी पे एक और कर देंगे, ठीक है, बस कल आप याद धराना मेरे को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर होते हैं, ध्यान नहीं रहता कौन से किस लेक्चर में कहाँ पे चले गए थे, ठीक है, तो आप कल याद धरा देना एक बार, ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर मिलते हैं, ठीक है, कल इसी टाइम पे, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से अपना सेहत का ख्याल रखिए आप लोग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सर आप ठीक क्या लिखे हो जी, सर आप ठीक बहुत बार बोलते हो, क्या लिखे हो जी, सर आप ठीक बहुत बार ढूंढते हो, ट्रिक 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 लिखा है कि ठीक लिखा है, ठीक बहुत बार दो पता नहीं क्या लिखे है, सब बहुत तरीका लिखा, ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे।